सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है तुम सभी का आज के एक और नए गेम प्ले के वीडियो में। सो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम खेलने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम वेस्टर्न गन फाइटर्स। सो गाइस, अगर तुम भी एक एक्शन पसंद करने वाले गेमर हो तो ये गेम सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस गेम में एक्शन प्लस एडवेंचर की कोई कमी नहीं है और साथ ही साथ इस गेम का साइज भी जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है। सो गाइस, पहले तो मैं तुम सभी को इस गेम की स्टोरी समझा देता हूँ। ये जो बंदा तुम सभी को सामने दिख रहा है इसका नाम है जेम्स और इसने काफ़ी समय पहले अपना होम टाउन जो है छोड़ दिया था, लेकिन अपने टाउन में हो रहे क्राइम्स को कम करने के लिए ये बंदा जो है काफ़ी समय बाद वापस आ चुका है। सो गाइस, अब हम जो है सीधा चलते हैं टाउन में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। लेकिन उससे पहले तुम सभी मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें इस गेम के ग्राफिक्स कैसे लगे। मतलब लिटरली इस गेम के साइज़ के हिसाब से इसके जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो गाइस, जैसे कि तुम सभी देख सकते हो यहाँ पे हो चुकी है अपनी एंट्री और वो भी स्लो मोशन में। हो चुकी है अपनी एंट्री जैसे कि तुम सभी देख सकते हो। मैं तुम सभी को पहले ही बता देता हूँ, ये जो टाउन है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन तुम सभी को एक असली कॉबॉय की तरह एक्सपीरियंस कराने के लिए ये टाउन काफ़ी है। गेम के स्टार्टिंग से मैंने जो इस टाउन में दो विंडमिल नोटिस किया था और आई होप कि तुम सभी ने भी नोटिस किया होगा। उनमें से एक तो फिलहाल मेरे सामने है जैसे कि तुम सभी देख सकते हो, ये रहा वो, और जो दूसरा विंडमिल है वो भी मैं तुम सभी को दिखाना चाहता हूँ। वो दूसरा विंडमिल प्रोबेबली लेफ्ट की तरफ ही होना चाहिए क्योंकि मैंने जो उसी तरफ उस विंडमिल को देखा था और आई होप कि तुम सभी दूर उस विंडमिल को देख पा रहे हो। ये वही विंडमिल है जो मैंने टाउन के बाहर से देखा था। फिलहाल तुम विंडमिल को साइड में रखो क्योंकि मुझे उससे भी ज़्यादा एक खतरनाक चीज़ दिखी है और आई होप कि तुम सभी उस फांसी के फंदे को देख पा रहे हो। एकदम छोटी सी रोप है इसीलिए मैं तुम सभी को ऐसे दिखा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, अगर यहाँ पे कोई क्राइम करता है तो सज़ा जो है उसे यहीं पे दी जाती होगी। तो चलो अब मैं तुम सभी को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे हम रहने वाले हैं। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब तुम ऐसे ही जा सकते हो उस जगह तक। और ये जो सामने बड़ा सा मकान तुम सभी को दिख रहा है, इस मकान के ऊपर के फ्लोर में ही हम रहने वाले हैं। फिलहाल तो मैं तुम सभी को इस मकान के अंदर लेके जाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ आगे यहाँ पे क्या क्या है। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी को एक इंटरेस्टिंग जगह दिखाता हूँ। चलो, ये जो जगह सामने तुम सभी को दिख रहा है, मतलब रुको अभी नहीं दिख रहा होगा, ये जो जगह तुम सभी को सामने दिख रहा है ये असल में हमारा शूटिंग एरिया है। मतलब इस जगह में हम जो है गन फाइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तुम लोग सपोज करो अगर मुझे किसी दिन एक शॉटगन की ज़रूरत पड़ी, फिलहाल तो मेरे पास है पर मुझे फिर भी अगर एक अच्छे शॉटगन की ज़रूरत पड़ी या फिर मुझे किसी और वेपन की ज़रूरत पड़ी तब मैं क्या करूँगा। तो ऐसे मौके के लिए मेरे पास है ये बंदा, इसका नाम है स्टीव और ये मेरे लिए वेपन्स बनाता है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी बनाता है। तो अब हम जो है सीधा चलते हैं अपने मकान में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। तो जैसे कि तुम सभी देख सकते हो सामने रहा अपना मकान और ये मैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब तुम ऐसे आ जा सकते हो हर जगह। तो अब हम जो है सीधा चलते हैं अपने एंट्रेंस की तरफ और चलते हैं अपने मकान के अंदर। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने मकान के अंदर और जैसे कि तुम सभी देख सकते हो यहाँ पे पूरा एकदम मस्त गाना वाना बज रहा है और ये जो पूरा नीचे का एरिया तुम सभी देख सकते हो, असल में ये जो पूरा का पूरा एरिया जो है असल में एक बार है और इस बार का मालिक जो है वो हम है, ठीक है। और ये जो बंदा तुम सभी को सामने दिख रहा है ये जो यहाँ पे ड्रिंक्स बनाता है और साथ ही साथ ये जो है मेरा एक पुराना दोस्त भी है। तो अगर मुझे कभी बियर वियर पीनी हो तो मैं जो है यहाँ पे आ सकता हूँ। अपने इस बार को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए मैंने जो यहाँ पे एक बार डांसर भी रखा है। ये जो लड़की तुम सभी को सामने दिख रही है यही है अपनी बार डांसर। हमें जो है इस लड़की को कुछ पैसे वैसे देते रहना पड़ेगा ताकि ये हमारे बार में काम करती रहे। तो अब चलो मैं तुम सभी को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर मैं रहने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने तुम सभी को कहा था मैं जो ऊपर के फ्लोर में रहता हूँ, तो इसीलिए मैं जो आ चुका हूँ अपने ऊपर के रूम में और यही है अपना रूम जैसे कि तुम सभी देख सकते हो और ये रहा अपना बेड। तो ये जो बंदी तुम सभी को सामने दिख रही है ये असल में हमारी केयर टेकर है, मतलब अगर कभी हमें चोट वोट लग जाए तो ये हमारी जो है केयर करती है। तो इसी के साथ ये रहा मेरा छोटा सा रूम। तो चलो अब मैं तुम सभी को नीचे लेकर चलता हूँ और कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। सो गाइस, अब हम चलते हैं सीधा नीचे और चलते हैं बाहर क्योंकि मैं जो अभी बाहर जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे भी मैंने बाहर एक बंदा देखा था जो शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था, तो इसीलिए हम जो अभी सीधा चलते हैं बाहर और देखते हैं वो बंदा हमसे क्या कहना चाहता है। सो गाइस, जैसे कि तुम सभी देख सकते हो हम आ चुके हैं बाहर और ये रहा अपना घोड़ा जो हमारा वेट कर रहा था। तो जैसे कि तुम सभी देख सकते हो यहाँ पे जो है हमें मैप में उस बंदे का लोकेशन बताया जा रहा है ताकि हम जो उस बंदे तक पहुँच सके। तो अब हम जो है सीधा चलते हैं उस बंदे के पास और देखते हैं कि वो बंदा हमसे क्या कहना चाहता था। सो गाइस, आई होप कि तुम सभी को वो बंदा याद होगा जो हमें गेम के स्टार्टिंग में दिखा था। हाँ, ये वही बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और अभी वो बंदा प्रोबेबली राइट की तरफ ही होगा क्योंकि मैंने उसी तरफ उस बंदे को देखा था और आई होप कि तुम सभी दूर उस विंडमिल के पास उस बंदे को देख पा रहे हो। ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं तुम सभी को अभी बता रहा था। तो अब जो है हम इससे सिंपली पूछते हैं आखिर बात क्या है और देखते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहता था।
सो गाइस इस बंदे ने हमें जो है एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी है और ये चाहता है कि हम जो इसकी मदद करें, तो इसीलिए मैंने जो इसे बेझिझक कह दिया कि मैं जो इसकी मदद करूँगा। तो असल में सीन कुछ ऐसा है कि इस टाउन में जो है एक घर है और उस घर में जो है कुछ बुरे बंदों ने कब्जा कर रखा है और ये बंदा सिंपली हमसे चाहता है कि हम जो है उस घर में जाए और उन बुरे बंदों को भगा दें वहाँ से। और इस बंदे ने हमें जो ये काम जितना हो सके उतना सीक्रेटली करने को कहा है क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसके बारे में जो है सबको पता चले। तो इसीलिए हम जो है इस बंदे की मदद करने के लिए सीधा चलते हैं उस जगह पे और देखते हैं आखिर हमारे साथ वहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं तुम सभी को इस गेम का मैप दिखा देता हूँ। जैसे कि तुम सभी देख सकते हो ये रहा इस गेम का मैप और फिलहाल मैं जो यहाँ पे टाउन में हूँ और ये जो रेड मार्क तुम सभी को दिख रही है वही जगह है जहाँ पे मुझे जाना है। और जैसे कि मैंने तुम सभी को स्टार्टिंग में ही कहा था इस गेम का मैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जैसे कि तुम सभी देख सकते हो। सो गाइस अब हम चलते हैं सीधा स्पॉट पे और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे अपने घोड़े को बुला लिया है और हम जो है वहाँ पे घोड़े पे ही जाने वाले हैं। तो मैप के हिसाब से हमें जो है सामने जाके राइट की तरफ मुड़ना होगा अगर हमें वहाँ पे जाना है। तो जैसे कि तुम सभी देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने स्पॉट पे और ये वही जगह है जहाँ पे हमें आना था। और ये जो सामने टूटा हुआ घर तुम सभी को दिख रहा है ये वही जगह है जहाँ पे कुछ बुरे बंदों ने कब्जा कर लिया है। जैसे कि तुम सभी देख सकते हो फिलहाल इस घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है और ऐसा लग रहा है मानो किसी ने इस घर को जो है बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। तो चलो यार अब हम जो है अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं जो अपना पिस्टल रिलोड कर लेता हूँ क्योंकि पता नहीं अंदर हमारे साथ क्या हो जाए। लगता है उन बंदों को पता चल गया है कि यहाँ जो है कोई आ चुका है। अब देखो तुम अपने भाई का जलवा। पहला वाला गया, इसको तो शॉटगन से दूंगा। ये लो दूसरा गया, ये रहा आखिरी बंदा, एक गोली और ये लो बंदा खत्म। सो गाइस यहाँ पे जितने भी बंदे थे उन सभी को हमने जो है खत्म कर दिया है। सबसे पहले तो इन बंदों से जो हमें लूट मिला है उसको हम लूट लेते हैं। पता नहीं यार ये मुझे क्या मिला पर जो भी मिला है फ्री में मिला है, रख लेते हैं यार, फ्री का माल छोड़ना नहीं चाहिए। और मतलब यहाँ पे टोटल जो है तीन बंदे थे और उन तीनों बंदों से हमें जो है कुछ ना कुछ लूट मिला है। तो जैसे कि तुम सभी देख सकते हो वो जो बंदे यहाँ पे रहते थे उन बंदों ने इस घर को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया और अंदर से ये जो है एकदम छोटा सा एक रूम है बस। तो अब हम जो है सीधा चलते हैं उस बंदे के पास जिसने हमें ये काम दिया था और जाके बोलते हैं उससे कि उसका काम जो है हमने कर दिया है। सो गाइस यहाँ पे जो है मैंने अपने घोड़े को बुला लिया है क्योंकि हम जो यहाँ पे घोड़े में ही जाने वाले हैं। तो अब हम जो है सीधा चलते हैं उस बंदे के पास। सो गाइस मैंने जो है इस बंदे से बात कर लिया है और इसने हमें जो है थैंक यू कहा है हमारे काम के लिए। और मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ अगर तुमने इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखा है तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम बंदे होते हैं जो वीडियो को एकदम एंड तक देखते हैं। और गाइस इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो अपना पेटीएम नंबर दिया है तुम लोग चाहो तो मुझे वहाँ पे कुछ डोनेट कर सकते हो। उन पैसों से मैं तुम सभी के लिए श्योरली कुछ अच्छा लाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस आई होप कि तुम सभी को आज की इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर से करना एक लाइक और मिलते हैं तुम सभी से एक और ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए तुम सभी को बाय बाय।